गाइस गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो अभी सुबह हो गई है लेकिन घर पर आज कोई नहीं है, मैं सिर्फ अकेला हूँ क्योंकि मम्मी कल शाम को जा चुकी हैं गांव अपने राखी बांधने और पिताजी आज गए हैं गांव मतलब बुआ जी के यहाँ राखी बंधवाने। तो फिलहाल अभी इस समय मैं ही अकेले हूँ, भैया हैं लेकिन वो सो रहे हैं पीछे, अभी कोई टाइम नहीं है उनके उठने का। और मैंने सोचा कि लाओ ये रोड में थोड़ी वहाँ देखो पत्तियाँ पड़ी है ना, ये देखो पेड़ के गिरी क्योंकि बंदर ने गिराया है, तो हम सोचे कि लाओ इसको सफ़ा कर देते हैं। तो हमारा ये पुराना झाड़ू इधर पड़ा है, इसको उठाएंगे और पूरा क्लीन कर डालेंगे इधर से उधर पूरा, क्योंकि इधर भी देखो बंदर, ये नीम है ना, इसमें कि नीम की चिपरों मतलब खा कर डाल दिए हैं, ये पड़ा है ना, तो मतलब इसको भी सफ़ा करना है। और उसके बाद देखो हवाएं भी प्यारी प्यारी चल रही है, मौसम मस्त है, बस छोटी छोटी पानी की बूंदें गिर रही हैं जो कि हमें समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि हमारे हाथ में मतलब उतना नहीं पड़ रहा है, ऐसे हवा में जैसे होती नहीं हल्की हल्की बूंदें, अब ना कैमरे में दिखेंगे ना कहीं दिखेंगे, लेकिन इसमें दिखा देते हैं आपको, पड़ी है बूंदें ना, ये देखो पानी की बूंदें पड़ी है ना, ये तो यही सब पड़ा है। और फिलहाल हम इसको क्लीन कर लेते हैं, आपको दिखाते हैं क्लीन करने बाद, रुकिएगा। क्लियर हो चुका और आपने देखा कि मतलब एकदम तेजी से क्लियर किया, यहाँ से वहाँ इतना तेजी से गया, उधर से फिर आया तेजी से, फिर गया रखने तेजी से, तो आप नहीं समझ सकते कितना तेजी किया है, मैं तो थक गया एकदम से। अरे क्या यार, मैं भी सब कर डाला इधर छोड़ दिया, पता नहीं इधर कहाँ से आ गए। तो इनको भी क्लीन करना है, अब जाएंगे कुल्लम मंजन करेंगे, उसके बाद नहाएंगे। सारा कुछ क्लीन हो चुका है, मतलब हमारे घर के सामने का सब कुछ क्लीन है, मतलब इधर भी सफ़ा हो गया, इधर भी पूरी रोड सफ़ा हो गई, ये देखो ये पूरा सफ़ा हो गया। तो अब कुछ नहीं बाकी काम, बस नहाना है, उसके बाद वेट करना है खाना खाने का, क्योंकि भूख लगी यार अब सुबह से, यार कल शाम को कुछ नहीं खाए थे ज़्यादा, नॉर्मली नाश्ता हो गया था, तो अब भूख लगी है। हैप्पी रक्षाबंधन भैया जी, ये छोटी सी आ गया, छोटी ब्लॉग में देखे होगे पुराने ब्लॉग में, बहुत खतरनाक थी, आप देखो कितनी सीधी है, देख देख हंसेगी नहीं। मसाला नहीं खाया राहुल बिना राखी के बता खाएं भेड़े। अभी हम आ गए कहाँ, गांव किनारे। भैया जी कैसे, मजे में हो? तो ये कि ये हमारे घर लाइन से हैं साहब, वो वहाँ तक कच्चे वाले, और यहीं आराम करते हैं यार। बाकी इधर का नज़ारा ये देखो, एकदम खुला खुला गांव है ये हमारा, और इधर रोड बनी है पूरी मेन मस्त डामर रोड। कौन है, कोई है क्या? अरे छोड़ो, मज़ा नहीं आएगा भाई, ऊपर देख लो मम्मी आते ही दीदी क्लास ले ली हैं। दीदी अभी सुबह से आई हैं, क्लास लिए बैठी हैं, कुछ ना खाने के लिए पूछी ना कुछ, देख लो अब क्या दिक्कत कितनी है। गेट खोल के नहीं, बंद है गेट, ठीक है देख लो पहले, देखो बंद है ये, कैसे ये कैसे खुल गया, मैं तो लॉक करके आया हूँ। अरे क्या ये देखो चोर, यही खोला है, मैं बोला ना लॉक करके आया हूँ, देखो हमारे यहाँ चोर आया है। ये तुम कितना चाय पीते हो तुलसी की, कितना चाय पीते हो? चाय नहीं पीना, काढ़ा पीना। काढ़ा पीना है, और काले हो जाओगे अभी, इतना कम काले हो क्या? ये इधर देखो काले। और हो जाओगे फिर हमसे मत कहना। गांव कहाँ है? गांव सिराथू है, मतलब मुख्यमंत्री जी गांव क्या? ईसु है। जाओ अच्छा बनाओ जल्दी, भूख लगी है। सचिन सिंह नरियन पर, अब क्या करें हम। तो गाइस पहले गांव से निकल लिए अब घर के लिए, क्योंकि यहाँ आज राखी बनवाने ना, तो राखी तो बन चुकी है और अब सीधा जा रहे हैं गांव। अरे सॉरी, गांव के खागा जा रहे हैं।
बात क्या हो गई इसमें पता है, मतलब बारिश हुई है अभी दिन में कई बार बारिश हुई है, हम आपको दिखाया नहीं है, जल्दी से पहुँचते घर उससे उसके बाद आप घर आ गए हैं। लेकिन रात हो गई थी ना, तो रात में जब वीडियो नहीं बनाए थे और आके एकदम मस्त लेट गए बैठ गए, लेकिन आज आँखों में दर्द है यार, मतलब नहीं समझ आए, सोए थे दिन में भी लेकिन उसके बाद भी आँखों में बहुत दर्द है। तो ब्लॉग आज हम ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे, बस ब्लॉग यहीं तक रहेगा। तो आई होप मेरा वीडियो को पसंद है, वीडियो पसंद है तो वीडियो लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, मिलते हैं कल एक नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए सभी को बाय।